बुंदेलखंड के सागर जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां घर छोड़ने के बहाने ले गया रिश्ते में मामा ने नाबालिग को हवस का शिकार बना लिया। इतना ही नहीं, मामला खुल जाने के डर से गला दबाकर बच्ची को मौत की नींद भी सुला दिया। हालांकि पुलिस ने मामले का जल्द खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि बीती 7 अप्रैल को रात में सानोदिया थाना पुलिस को आपचंद की गुफा के पास एक नाबालिग लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली थी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी थी। मामले का खुलासा करते हुए सागर पुलिस अधीक्षक अमित सांगी ने बताया कि मृतक नाबालिग अपनी चाची के गाँव सोनगंज में होने का कहकर सुबह घर से निकली थी, तभी आरोपी जो मृतिका का रिश्ते में मामा लगता है उसने साइकिल से छोड़ने का बोलकर उसे अपने साथ ले गया। रास्ते में दुष्कृत जैसा गिनोने वारदात को अंजाम दिया। मामला खुलने के डर से आरोपी ने नाबालिग को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि मोबाइल में पॉर्न वीडियो देखकर उसने गलत काम को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को पास्को एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इससे पूछताछ पे ही पता चला कि घटना के एक दिन पहले ये मोबाइल पे कुछ आपत्तिजनक सामग्री जो होती है नेट पे वो देख रहा था, और उसे देख के ही ये अपराध घटित करने की बात उसके मन में आ गई और इसने घटना को अंजाम दिया, यही लेके गया है। और इसके बाद इसने जो जो बातें बताई कि हम कहाँ गए थे, किनसे मिले थे, तो उन सभी को ला के पूछताछ की गई। जिन स्थानों पे इसने जाना बताया था वहाँ किया गया, तो इसकी आधी सी लगभग सभी बातें गलत निकली। फिर इससे दोबारा पूछा गया तो फिर ये टूट गया और इसने पूरी घटना जो है वो विस्तार से। एडिशनल एसपी साहब तुरंत मौके पे हत्या की गई थी, इस पे थाना सानोदा में अपराध कायम हुआ था पॉक्सो 376 और 302 का।